पुतिन ये युद्ध तब तक नहीं हारेंगे जब तक कि रमजान कादिरफ उनके साथ है। कादिरफ ने चेचन्या में अब खुली भर्ती निकाल दी है। चेचन्या में यूक्रेन के लिए एक और बड़ी फौज तैयार हो रही है, लेकिन भर्ती का फरमान ठुकराने पर रमजान कादिरफ ने एक खतरनाक सजा का भी ऐलान किया है, जिसको जानकर पुतिन भी हैरान है। इस सजा के बारे में पूरी डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखें। यूक्रेन के अंदर भीषण रक्तपात चल रहा है। पुतिन और कादिरफ को अब भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यूक्रेन के अंदर रूस अपनी विजय पताका लहरा पाएगा। हेरसोन के अंदर आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसकी वजह से पुतिन और कादिरफ मिलकर और ज्यादा सेनाओं की भर्ती में लगे हुए हैं। आखिर क्यों पुतिन ने ये बयान दिया है कि अभी रूस के और लोग भी फौज में भर्ती होकर यूक्रेन जाना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है कि कादिरफ ने चेचन्या के अंदर खुली भर्ती निकाल दी है और फोन नंबर जारी कर दिए हैं? कोई भी इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सेना में भर्ती के लिए शामिल हो सकता है। आखिर ज़ेलेंस्की क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ताजिक नस्ल के रूसी नागरिकों ने रूस की फौज में शामिल होने से इनकार कर दिया है? सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे कादिरफ की बात। कादिरफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो जारी किया। ये सभी चेचन्या लड़ाके हैं और रमजान कादिरफ के वफादार हैं। इन सभी को लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है। कादिरफ के लड़ाकों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के अंदर तीन फोन नंबर दिए गए हैं। चेचन्या का कोई भी नागरिक इन फोन नंबर्स पर कॉल करके युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेने यूक्रेन जा सकता है। कादिरफ की तरफ से उसके टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी किया गया है। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए चेचन्या गणराज्य के अंदर लोगों की सक्रिय भर्ती जारी है। सभी के पास रूस के विशेष सुरक्षा बलों के विश्वविद्यालय में भर्ती होकर युद्ध कौशल सीखने का अवसर है। रूस के सैन्य विश्वविद्यालयों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने बार बार खुद को साबित किया है और स्पेशल फोर्सेज की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। अब चेचन्या के अंदर इतनी बड़ी खुली भर्ती निकाली जा रही है, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि रूस की जो सेना यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रही है वो फेल हो चुकी है? कादिरफ की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। हालांकि ये जरूर बताया गया कि यूक्रेन भेजने से पहले चेचन नागरिकों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को तोप चलाना सिखाया जाएगा, लोगों को घायलों के इलाज की ट्रेनिंग दी जाएगी, निशाना लगाने की ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर को शूट करना भी सिखाया जाएगा और प्रशिक्षण के साथ ही लोगों को तीन समय का भोजन और आरामदायक आवास भी मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षित लोगों के पास ये मौका होगा कि वो तीन महीने बाद रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता खत्म भी कर सकते हैं। इस वीडियो और संदेश के साथ रमजान कादिरफ ने तीन फोन नंबर जारी करवाए हैं। फोन नंबर तो सिर्फ उनके लिए जारी किए गए हैं जिनको यूक्रेन जाने की ख्वाहिश है, लेकिन जो लोग यूक्रेन नहीं जाना चाहते उनके लिए जबरन भर्ती की भी योजना कादिरफ ने तैयार कर ली है। कॉकेशियन नॉट नाम के एक अखबार ने बताया कि रमजान कादिरफ चेचन लोगों को जबरदस्ती यूक्रेन के मोर्चे पर भेजने की योजना बना रहा है। रमजान कादिरफ ने कहा कि जो लोग चेचन्या के अंदर टैक्स की चोरी कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, उनसे बड़ा जुर्माना वसूल कर सीधे यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजा जाए। सेना की भर्ती को ठुकराने वालों को काया और देशद्रोही बताया जा रहा है। ऐसे समय पर
पुतिन का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। रूस के अंदर 4 नवंबर को मॉस्को एकता दिवस मनाया गया और इस मौके पर शुक्रवार को पुतिन रूस की राजधानी मॉस्को में नजर आए। समारोह का जायजा लेने के बाद पुतिन ने मीडिया से बात की और कहा कि हमने 3 लाख की भर्ती निकाली थी, लेकिन अब तक 3,18,000 लोग भर्ती हो चुके हैं। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि रूस के लोग बढ़ चढ़कर अपनी खुशी से युद्ध में शामिल होने के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं। 300 000 мобилизованных, у нас 300 уже 18 тысяч. Да. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев, оно не сокращается. Ну так вот, из них 50 тысяч, где-то около 49 тысяч, по-моему, находится уже в войсках, выполняет боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. Путин ने रूस के एकता दिवस के दिन ये बयान जारी करके ये संदेश दिया कि रूस की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए लाखों रूसी अपनी जान देने को भी तैयार है। पुतिन के ही सुर में सुर मिलाते हुए रमजान कादिरव ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि रूस राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। ये महत्वपूर्ण तारीख हमारी महान मातृभूमि के सच्चे देशभक्तों के लिए और रूस के सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज जब हमारी पितृभूमि पर खतरा मंडरा रहा है तो डॉन बॉस और यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान में सैकड़ों हजारों बहादुर रक्षक जंग लड़ रहे हैं। देश के सभी क्षेत्रों के योद्धा रूस के ध्वज के तहत नाजीवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। अकेले चेचन गणराज्य के लगभग 10,000 लड़ाके दुश्मन को सफलता पूर्वक हरा रहे हैं और महान रूस की भलाई के लिए किसी भी क्षण खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। रूस ने जिन 3,18,000 लोगों को भर्ती किया है उनमें से 49,000 को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा चुका है। सवाल ये है कि आखिर रूस को इतने ज्यादा सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। पेंटागन ने अगस्त में कहा था कि 70,000 से 80,000 रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर मारे गए या घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। यही वजह है कि पुतिन अपने दुश्मनों को कोई मौका देना नहीं चाहते और पहले ही नागरिकों को सेना का प्रशिक्षण देकर तैयार करना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के अखबार कीव इंडिपेंडेंट की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि पुतिन मिलिट्री में भर्तियों को बंद नहीं करने जा रहे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार व्लादिमीर पुतिन सीक्रेट तरीके से सेना में भर्ती की योजना को जारी रखने जा रहे हैं।